हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीनास क्रिएटिव कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हमने आटा बांध के जो गाठिया का सब्जी सिखाया है वो बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनता है, तो चलिए हम बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गाठिया का सब्जी, जिसे गुजराती में गाठिया बोलते हैं, जिसको उसका तरकारी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये वाला 1¼ कप बेसन लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, ज्यादा तेल नहीं देना है। और डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, अदरक, थोड़ा सा मिर्चा और धनिया हरा, इसका पेस्ट डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर। अब हम ये सबको मिला देंगे आटा के साथ ही। अदरक, लहसुन और हरा धनिया का पेस्ट दिया है और हरा मिर्चा का, चारों को मिला के हमने कूट लिया था। अभी हम क्या करेंगे, इसका आटा भूनेंगे। बेसन है इसलिए हमको ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा ही पानी पहले डाल के आटा भूनेंगे। इसका आटा ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं। एक हमको पानी नहीं चाहिए। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अभी हम थोड़ा मसल देते हैं इसको। अब हम इसको मसलने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे और पूरा इकट्ठा कर देंगे हम। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दोगे, हम आपको नमक दे दिया था बाद में हम, लेकिन आपको दिखाना भूल गए थे। स्वाद अनुसार नमक देना है आपको, जितना आटा है उसका हिसाब से हमने 1/2 चम्मच नमक लिया था आटा में। यह हमारा आटा गाठिया का साग के लिए एकदम तैयार हो गया है। इसमें आपको सोडा के कुछ नहीं चाहिए, बस ये सा आटा चाहिए, ऐसा वाला। अब उसको 10 मिनट के लिए हम साइड रख देंगे, तब तक के लिए हम अपना वघार का तैयारी करेंगे। जिसके पास मशीन नहीं रहता है वो ऐसे लेके अपना, मतलब बेल बेल के भी बनाते हैं, जैसे ऐसे जिसके पास मशीन ना हो वैसे हाथ से बेल लेते तख्ता के ऊपर, ऐसे पतला पतला ऐसे लकड़ी के ऊपर रख के बेल के फिर सब्जी में दे देते हैं। ऐसे भी आप बना सकते हो अगर मशीन नहीं है तो, और मशीन है तो मशीन से आप वघार में दे सकते हो। इसको हम अभी झाप के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमने साइड कर दिया है। अभी हम तरकारी का तैयारी करेंगे। अब हम तरकारी बनाएंगे गाठिया का, इसके लिए हम चढ़ाएंगे पहले तेल। यह हमारा तेल गरम हो चुका है। हम आज गाठिया का सब्जी बनाएंगे और वो भी गाठिया हम घर में बनाए हैं, और आटा भुनना कैसे है वो हम आपको सिखाया है, वही सब सामान देके आप आटा कंप्लीट कर लेना। और हमने लिया है 1 कटा हुआ प्याज, ये लहसुन और पिसा हुआ हरा मिर्च, और ये है जीरा। तो सबसे पहले हम वघार में डालेंगे जीरा। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, जैसे हम हल्दी मिर्चा धनिया डालते जाएंगे आपको दिखाते हैं कैसे कैसे डालना है। ये 3 चीज हमने डाल दिया है। सबसे पहले डालेंगे हम जीरा, तेल हमने रख दिया है। अब हम डालेंगे अंदर प्याज के, अंदर लहसुन डालेंगे और हल्दी मिर्चा धनिया स्वाद अनुसार डालेंगे, लहसुन और बाद में हम करी पत्ता देते हैं थोड़ी देर बाद, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। लहसुन को हम फ्राई करेंगे थोड़ा हल्का। अभी हम ये हल्दी मिर्चा और धनिया डाल देते हैं। हमने 1.5 चम्मच मिर्चा लिया, हल्दी लिया
और हम आज को फिर धीमा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा मिर्चा जल ना जाए। अब हम डालेंगे 1.5 चम्मच दही। दही से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। हमने इतना दही लिया हुआ है, अभी जरूरत होगा तो फिर डाल देंगे। दही को हम तुरंत फ्राई करेंगे। हम दही दिया है ताकि दही का स्वाद बहुत ही मजेदार रहता है इसके अंदर। इसके अंदर फिर हमको गरम मसाले का भी जरूरत नहीं है, बस हरा धनिया डालेंगे। ये हमने दही दे चुके हैं, अब थोड़ी देर एकदम मिलाएंगे ताकि हमारा मिक्स हो जाए अंदर में। लाल मिर्च दे रहे हैं और इस टाइम पे हम दे रहे हैं कारी पत्ता। कारी पत्ता से उसका टेस्ट बहुत ही मजेदार हो जाता है। के अंदर आपको ग्रेवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही मजेदार सब्जी बनता है ये गाठिया का। गुजराती लोग रेडीमेड गाठिया का भी बनाते हैं और ऐसे जाज हम सिखाया है वैसे भी आपका बहुत ही टेस्टी बन जाता है। इस टाइम हम 1 ग्लास पानी डाल रहे हैं। 1 ग्लास पानी दे दिया हुआ है, आधा ग्लास और देंगे हम। ये आधा ग्लास और दे रहे हैं पानी। अब इसके अंदर उबाल आने देंगे जब तक हम अपना मशीन में गाठिया डाल देते हैं। अभी हम आटा तैयार कर लिया है हमारा, तो अब इसके अंदर हम तेल लगाएंगे। पूरा हम तेल लगा देंगे, ऐसे हम तेल लगाएंगे पूरा में मशीन में। इसमें हम दे चुके हैं, अब इसमें लगा लेंगे। ये हम मशीन के अंदर तेल लगा रहे हैं और जो आटा हमने तैयार करके रखा है उसको हम मशीन के अंदर डाल देंगे। ये इसका झाली है, झाली को हम दोनों तरफ तेल लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, हम इसको अंदर डाल देंगे। अंदर हम तेल लगा चुके हैं। हम अंदर झाली लगा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, आटा को हम मशीन के अंदर डाल देंगे। ये आटा जो है हमारा वो रेडी है। ऐसा आटा बांधा है हमने। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पानी वाला हाथ करके इसमें डालेंगे। पानी वाला हाथ कर दिया है, अब इसको हम मशीन के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। अभी क्या होगा, इसको बंद करेंगे मशीन को हम कहे। अभी हम गाठिया को डायरेक्ट इसमें डालेंगे, वघार किया हुआ है जो पानी हमारा उबलेगा उसके अंदर। तो यह हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसे गाठिया इसमें गिराते जाएंगे। यह हमारा अंदर बॉईल होता जाएगा, ऐसे ही हम ये बहुत ही मजेदार बनता है। ये मेरा मम्मी बनाती थी, उसने ही मुझे सिखाया था ये। ये हमारा अभी गाठिया को हम थोड़ी देर बेसन को अंदर पकने देंगे। थोड़ी देर एकदम पक जाएगा, उसके 2 मिनट के लिए हम बंद करेंगे और आंच को हम धीमा रखेंगे, तब तक हमारा पक जाएगा। थोड़ा सा हम अभी और थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि गाठिया को हम पकने देंगे, हमने तो कच्चा बेसन का बनाया है ना। थोड़ा सा बस, क्योंकि बाद में बंद करने के बाद
थोड़ा गाठिया पानी चूस लेता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी हमको चाहिए। एक कप ये पानी हम दे दिया, अभी हम इसको पकने देंगे। अभी हम देख लेते हैं, अभी इस टाइम हम 2 मिनट में गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं आपको, परोस के खाने के लिए तैयार होगा। तो बस इस टाइम हम बंद कर देंगे गैस को, फ्लेम को बंद कर रहे हैं। हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर में हरा मिर्च, तो थोड़ी देर बाद उसका स्वाद एकदम अच्छा लगने लगता है। ये हमारा सब्जी तैयार है, इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद परोस के दिखाते हैं हम आपको। हमारा घर में बना हुआ गाठिया का सब्जी एकदम मशीन में पाड़ के बना के एकदम रेडी है और बहुत ही टेस्टी और मजेदार बना है और एकदम मस्त लग रहा है खाने के लिए भी। आप ऐसे खाओगे ना, सूखा भी लेके ऐसे, वाओ क्या स्वाद है। तो आप ऐसे सब्जी जरूर बनाओगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ओके फ्रेंड्स, बाय।